प्यारे दोस्तों, आज के टाइम में जमीन से संबंधित जो आपसी रंजिशें हैं भाई भाई में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए आपके दादा या आपके पिता के नाम पे कोई ज़मीन है और कोई सहमत नहीं है उस ज़मीन को बंटवारा करने के लिए, और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो ज़मीन आपके नाम हो जाए, आपका हिस्सा आपको अभी मिल जाए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपका जो भाई है, सिस्टर है ना, कोई भी XYZ कोई भी है, और वो नहीं चाहता है बंटवारा करना, ठीक है। या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए आप चार भाई हैं, तीन भाई हैं, दो भाई हैं, और आप अवेलेबल हैं, लेकिन आपके भाई अवेलेबल नहीं है बंटवारा करने के लिए, वो कहीं और हैं, और ऐसे में आप इस काम को कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैसिया स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ये प्रोसेस कि किस तरह से बिना किसी की सहमति के आप अपना ज़मीन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, उस ज़मीन को का जो है कुछ भाग जो आपके हिस्से में आने वाला है वो अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जिस ज़मीन में आप बंटवारा चाहते हैं, जिस ज़मीन में आप अपना हिस्सा अपने नाम करवाना चाहते हैं, वो ज़मीन आखिर किसके नाम पे है, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जमाबंदी निकालना पड़ेगा। जमाबंदी बोलने, या फिर कहीं कहीं इसको खेवट भी बोला जाता है, या फिर खतौनी भी बोला जाता है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको जमाबंदी निकालना पड़ेगा। उसी से आपको पता चलेगा कि ये ज़मीन एक्चुअल में अभी आपके दादा के नाम पे है या आपके पिता के नाम पे है, ठीक है। तो अगर आपके पास जमाबंदी नहीं है तो इसको निकालने के लिए आपको जो है या तो आप कचहरी जाएं या फिर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन निकालने के लिए अगर आपको मालूम नहीं है तो ऊपर आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने ज़मीन का जमाबंदी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इस काम में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि जमाबंदी तो निकालना, उसकी प्रति लगने वाली है, साथ ही साथ आपका जो है आधार कार्ड लगने वाला है। आधार कार्ड का जो प्रति है आप वो लगा दें, और साथ ही साथ आपको जो है आपका ज़मीन का जो है आपको वंशावली देना पड़ेगा। वंशावली आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन वंशावली बनाना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आप किस तरह से वंशावली बना सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हमारे भाइयों में अगर आपसे सहमति नहीं है बंटवारे को लेकर, और ऐसे में हम चाहते हैं कि बंटवारा हो या फिर उस ज़मीन का जो भी हिस्सा मेरे नाम होने वाला है वो मेरे नाम हो जाए बिना सहमति के भी, तो ऐसे में अब हमें करना क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि हर जिला में, ठीक है ना, हर जिला में एक उपखंड अधिकारी या फिर जो है असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है ना, सहायक कलेक्टर होता है, आपको उनके पास अपील करना होगा। अपील के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी उस ज़मीन का हिस्सेदार है, जो भी मान लीजिए आपके भाई हैं, आपके सिस्टर है, जो भी उस ज़मीन का हिस्सेदार है, उन सभी के नाम पे एक जो है आपको केस दायर करना पड़ेगा, ठीक है। केस दायर करना पड़ेगा और उस केस में आपको रीज़न भी डालना पड़ेगा कि किस रीज़न से आप जो है उस ज़मीन को अपने नाम करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, जैसे कि आपसी रंजिश दे सकते हैं, या फिर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ना, लोन हो सकता है, तो मतलब बहुत कुछ कारण होता है जो आप ज़मीन बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो कोई एक कारण दे दें, इसके बिहार पे जो है ना आपका केस को जो है दायर कर लिया जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जितने भी हिस्सेदार है जिसके नाम पे आपने जो है बंटवारे के खिलाफ केस दायर किया हुआ है, उन सभी को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाएगा कि आपको कोर्ट में पेश होना है इस रीज़न की वजह से, ठीक है ना। तो जब आपके जो हिस्सेदार हैं वो मान लीजिए कि कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं नोटिस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ उनसे जो है कुछ कारण पूछा जाएगा कि आप हिस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, बंटवारा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कारण वो लोग दे दें, कारण कुछ भी दे, लेकिन ज़मीन जो है आपका अगर हिस्सा बनता है उसमें, आप उसके हिस्सेदार हैं, तो वो ज़मीन आपके नाम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल हम सभी के मन में ये आ रहा है कि मान लीजिए
जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, जो भी हिस्सेदार है उनको नोटिस भेजा जा रहा है और वो कोर्ट में हाजिर ना हो तो क्या होगा? तब तो बढ़िया बात है ना भाई, तब तो आपका जो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना। उनको दो बार नोटिस भेजा जाएगा, दो तीन बार नोटिस भेजा जाता है, अगर फिर भी वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फोर्सफुली वो ज़मीन आपके नाम कर दिया जाता है, जो भी आपका हिस्सा होगा पूरी ज़मीन में, जो भी आपका हिस्सा है उसमें फोर्सफुली वो आपके नाम कर दिया जाएगा और आपको जो है एक डिक्री दे दिया जाएगा कोर्ट की तरफ। अब अगला प्रोसेस ये होगा कि आपको आपके क्षेत्र का जो ग्राम सेवक है या फिर पटवारी कह लें, इनसे संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उनको जो आपके पास कोर्ट से डिक्री मिला है ना, उस डिक्री का फोटोकॉपी, साथ ही साथ आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी और साथ ही साथ वंशावली का फोटोकॉपी आप अपने ग्राम सेवक या फिर पटवारी साहब को हैंडओवर करेंगे और वो जो है इसी डिक्री के आधार पे वो ज़मीन का टुकड़ा जो भी आपके हिस्से में आना है वो आपके नाम पूर्णतः कर देगा। और साथ ही साथ जो है आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपके नाम पे भाई एक अलग से जमाबंदी नंबर बनाया जाएगा, एक अलग से जमाबंदी बना दिया जाएगा और आप अकेले उस ज़मीन का मालिक होंगे। तो इस प्रोसेस में भी हो सकता है 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन फाइनली जो है आप अपनी ज़मीन का इकलौते मालिक हो जाएंगे, चाहे इसमें किसी की सहमति हो या ना हो, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज की ये जानकारी जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, भले थोड़ी सी लेट हो जाए लेकिन आंसर ज़रूर करूँगा। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।